दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रवि शुक्ला और आज आप सभी के बीच शिक्षक दिवस के शुभ पावन पुनीत बेला पर मैं अपने शब्द आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, अपनी भावनाएं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। कृपया इसे सुने, यदि इसमें और इसके मर्म को आप समझ पाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बिना देर सवेर किए मैं कविता से आपको, मेरे शब्दों से आपको जोड़ रहा हूं। हाँ मैं शिक्षक हूँ, हाँ मैं शिक्षक हूँ, भविष्य का अभिमान हूँ, देश के गौरव की पहचान बने अपनी भावी पीढ़ी का पथ प्रदर्शक हूँ। कभी डांट कभी फटकार की जीती जागती मैं ही मूरत हूँ, हाँ मैं शिक्षक हूँ। मेरे सपनों को अपने बच्चों के हाथों में देते हुए मुझे गर्व होता है, मेरे सपनों को अपने बच्चों के हाथों में देते हुए मुझे गर्व होता है कि कोई है जो इन्हें पूरा करेगा, कोई है जो इन्हें अपनाएगा। बहुत कुछ सुनता हूं मेरे पीछे चलती बातों को, कभी शिकार हो जाता हूं अपने ही हाथों का, कभी प्रबंधन समिति कभी प्राचार्य के सम्मुख, कभी प्रबंधन समिति कभी प्राचार्य के सम्मुख मैं गलत ठहरा दिया जाता हूं, कभी प्राचार्य के कमरे में तो कभी स्टाफ रूम में मैं टूट जाता हूं, कभी निराश होकर सब कुछ त्यागने की ठान लेता हूं, पर अगले ही पल याद आ जाता है अपना कर्तव्य, पर अगले ही पल याद आ जाता है अपना कर्तव्य, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। बस अपने ही काम में लगा रहता हूं, बस अपने ही काम में लगा रहता हूँ, विद्यालय में नई सोच संग रोज प्रवेश करता हूँ। क्या खास करूँ और कैसे अच्छा करूँ, क्या खास करूँ और कैसे अच्छा करूँ, क्या अलग कर पाऊँ, इसी विचार में देर रात लेटता हूँ और पहटे उठ जाता हूँ। हाँ मैं एक शिक्षक हूँ। जीवन की धुरी पर दौड़ता मैं एक शिक्षक हूँ। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वालों की उड़ान मैं ही हूँ। ज्ञान का प्रकाश लेकर तमस हरता मैं ही हूँ। भले ही वे मेरा मजाक उड़ाएं, नाटा मोटा सुकड़ा कुछ भी कहा जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। हाँ मैं एक शिक्षक हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, हो सकता है मेरे पास महंगा घर ना हो, लंबी गाड़ी ना हो, पर मेरे पढ़ाए विद्यार्थियों के पास मोटी तनख्वाह, लंबी गाड़ी और बंगला हो। हाँ मैं एक शिक्षक हूं। कभी कभी मैं उलझ जाता हूं मेरे अधिकारी और राजनेताओं की बदलती नीतियों में, कभी कभी मैं उलझ जाता हूं मेरे अधिकारी और राजनेताओं की गलतियों बदलती नीतियों में, जो बताते हैं मुझे कैसे पढ़ाना है, पर फिर भी मैं हार नहीं मानता। आज भी पढ़ा रहा हूं, कल भी पढ़ा रहा था, आगे भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। मैं भी हताश होता हूं, मैं भी उदास होता हूं, मैं भी निराश होता हूं, पर अगले ही दिन मुझे मुस्कुरा कर जाना होता है उनके लिए जिन्हें मैं पढ़ाता हूं। हां मैं एक शिक्षक हूं। मेरे संतोष का कारण है जब मैं देखता हूं अपने छात्रों को आगे बढ़ते हुए, सफल होते हुए, सब कुछ प्राप्त करते हुए, दुनिया का मुकाबला दिलेरी से करते हुए, और मैं कहता हूं गूगल के जमाने में मैंने भी पढ़ाया है, और मैं कहता हूं गर्व से कि गूगल के जमाने में मैंने भी पढ़ाया है। हाँ मैं एक शिक्षक हूं।
कोई बात नहीं वो मुझे किस नजर से देखते हैं, कोई बात नहीं वो मुझे किस नजर से देखते हैं, कोई बात नहीं वो मुझसे कितना ज्यादा कमाते हैं, कोई बात नहीं कौन मेरी इज्जत करता है और कौन मुझे कितना मानता है, कौन कारों में घूमता है, कौन आलीशान घरों में रहता है। मेरा सीना तो तब चौड़ा होता है जब मैं अपने बच्चों के भीतर ये सब देखता हूं। हाँ, और गर्व से कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं इनका शिक्षक हूं। हाँ, मैं शिक्षक हूं, हाँ मैं शिक्षक हूं। ये कविता कहें या कविता के रूप में तुकबंदी कहें, एक अपने भाव को व्यक्त करने का माध्यम कहें, लेकिन कहना इन शॉर्ट मात्र यही था कि शिक्षक के कांधे पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। इस देश की व्यवस्था को, इस देश की राजनीति को, इन सभी को शिक्षकों का सम्मान करने की नीतियों पर एक बार विचार करना होगा। पहले होता ये था कि जिस दिशा में गुरु का घर होता था उस दिशा में हम लोग पैर रख करके भी नहीं सोते थे। फिर जमाना ये बदला कि यदि शिक्षक बाजार में दिख गया तो हम शिक्षक से मुंह छिपाएंगे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि शिक्षक के सम्मुख जाकर चरण छूकर के उसका आशीर्वाद लेना पसंद करेंगे। फिर धीरे धीरे ट्रेंड बदलता चला गया और आज की तारीख में शिक्षकों को सीधे सीधे मुख्य धारा से हटाने का प्रयास किया जाने लगा। और जब इतनी सारी चीजें हो रही थी तब इस देश की व्यवस्था सो रही थी। आज हमें शिक्षकों के उस सम्मान को लौटाना होगा, शिक्षक और गुरु के बीच का अंतर समझना होगा। गुरु एक होता है, शिक्षक कई सारे हो सकते हैं, और हम शिक्षक होते हुए अपने आप को इस बात को अपने ये मान लें कि अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को, अपनी जिम्मेदारी को भली भांति यदि निभाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के मध्य हम सचमुच में कुछ विशेष दे पाएंगे। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। तबीयत नासाज होने के कारण कुछ लेट हो गए, कुछ विलंब हो गए, कुछ देरी से आपके बीच आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बेहतर बने, बेहतर करें और बेहतर की ओर अग्रसर होकर के आने वाली पीढ़ी को भी बेहतर बनाएं। शुक्रिया।